हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट आज जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और डिटेल्स आपको बताएंगे कि मार्केट में आपको क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस और आपको डिटेल्स बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट में जो सिचुएशन है, हम उसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। देखिए, जो अभी सिचुएशन ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, अभी यूएस मार्केट 9 पॉइंट एंड यूएस 517 एंड टेक आपको 117 पॉइंट चल रहा है, बराबर का ठीक ठाक है ग्लोबल मार्केट एंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ गड़बड़ी कुछ नहीं है ग्लोबल मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह जो कुछ दिखाई दे रहा है नॉर्मल मार्केट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट। तो फिर भी लाइफ मार्केट में जब भी आप काम कर रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। स्टेप वन कंप्लीट। नंबर टू आइए देखते हैं कि मार्केट आज का मार्केट में काम कैसे रहा। आज का मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेरिवेटिव डाटा को एनालिसिस करते हैं। देखिए, डेरिवेटिव डाटा क्या है ना, डेरिवेटिव डाटा में जो आप डाटा देख रहे हैं इस डाटा को अच्छी तरह से देखिए। 1 अगस्त जो आपको ये गुरुवार को आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी अगले 3 दिन में आपको जो डाटा फॉर्मेशन हो रहा है ओपन इंटरेस्ट उसको एनालिसिस करेंगे। 25,000 में काफी सारे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आज एडिशन हुआ है, बराबर आपको 24 लाख का एडिशन हुआ है। तो जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, काफी सारे स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है और जो सपोर्ट बन रहा है 24,800 से आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, फिर भी पुट राइटर आपको यहां से निकल रहे हैं, यानी कुछ भी लग रहा है कि मार्केट शायद और थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि नीचे में भी आपका जो पुट राइटर एंड कॉल राइटर है वो थोड़ा सा आपको अनवाइंडिंग, यानी आपको जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो निकल रहे हैं, तो कंफ्यूजन है, यानी आपको जो कॉल राइटर पुट राइटर है जो ऑप्शन चेन में है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हम प्रोग्रेस करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपका जो स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंट पॉइंट है 24,000, सॉरी सपोर्ट पॉइंट है 24,500 जहां पर एडिशन हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको 24,500 तक ये जो 200-300 पॉइंट यहाँ पर आपको पुट राइटर निकल रहे हैं, कॉल राइटर निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी वोलेटिलिटी दिखाई दे सकता है, ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है, ये बात हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो मार्केट अभी 24,500 से लेकर 25,000 तक, यानी 500 मई में वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा 500 पॉइंट, ये आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में। उसके बाद बैंक निफ्टी का डाटा देखिए, बैंक निफ्टी में कंप्लीटली कॉल राइटर आपको यहां से निकल रहे हैं, यानी आपको 51,000 में कभी भी दिखाई नहीं दे रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे चला जाएगा, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, कॉल राइटर हर स्टेप में ट्रैपिंग हो रहे हैं और एक बार 51,500 के ऊपर आपको चलता है बैंक निफ्टी, एक बार फिर से 52,000 ब्रेक करेगा। 52,000 के ऊपर जब तक टिका नहीं तब तक के लिए ये ऑफसाइड में जा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए आपको बैंक निफ्टी में कंडीशनली आपको देखना पड़ेगा। 51,000 में सपोर्ट है, उस लेवल तक आएगा तो बाइंग बनेगा, लेकिन 51,500 के ऊपर भी रहेगा, सस्टेंस कर रहा है तो आपको 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन जो रेजिस्टेंट पॉइंट क्रिएट हो रहा है 52,000 क्रिएट हो रहा है, ये लेवल के ऊपर जब तक भागेगा नहीं तब तक आपको अपसाइड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी जो रेंज है 51,000 टू 52,000, ये 1,000 का रेंज अभी बन चुका है, तो मार्केट में थोड़ा सा देखकर काम करना चाहिए। नीचे में आता है तो 51,000 सपोर्ट बनेगा, अपसाइड में जा रहा है तो 52,000 आपको रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन 52,000 के ऊपर जा रहा है तभी आपको पोजिशन बिल्टअप हो जाएगा। तो इसके साथ में एचडीएफसी बैंक का डेरिवेटिव डाटा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एचडीएफसी बैंक लीड करता है बैंक निफ्टी को, तो एचडीएफसी बैंक 1600 ब्रेक होने वाला जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं होगा, तो शायद इसमें आपको सपोर्ट बन रहा है तो आपको 1700 में काफी स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है, 50 में भी दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे में आपको बराबर का पुट राइटर खड़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इसीलिए आपका नीचे में ज्यादा नहीं है, अपसाइड में जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का डेरिवेटिव डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये गया आपका सेकंड पॉइंट जो एनालिसिस था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आइए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट के बारे में देखेंगे तो डिस्कशन करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट जो मूवमेंट आपको, जो ट्रेंडिंग मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला, तो यहाँ पर क्रॉस हुआ, अच्छा मूवमेंट दिया, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस हो गया, तो आपको वेट करना चाहिए था क्योंकि जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हमें आपको वेट एंड वॉच में रखना चाहिए निफ्टी बैंक का।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट है, आपको देखना चाहिए वीकली बेसिस में ये जो पॉइंट आपको क्रिएट हुआ है। यहां से ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी यानी 52,000, आपको 400 के ऊपर आपको है तो ये ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट है वीकली बेसिस में, इसके ऊपर जाएगा तो और भागेगा और इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आपको ध्यान देकर काम करना चाहिए बैंक निफ्टी। उसके साथ आप देखिए निफ्टी का कंडीशनली हमें देखेंगे, ट्रेड करेंगे तो आप देखिए जो निफ्टी का कंडीशनली है ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है वीकली बेसिस में, इसके ऊपर आपको गया था तो बराबर ये लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, तो ये लेवल जब तक ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट तक जा सकता है, लेकिन जिस लेवल पर ये अभी है तो सपोर्ट जो बनता है 24,584, तो ये लेवल तक आएगा तो आपको ऑटोमेटिकल सपोर्ट बन जाएगा और अपसाइड में आपको 25,000 मानकर चलेंगे, तो यही लेवल पर आपको रेंज बाउंड आपका मार्केट देखने के लिए मिलेगा, ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये थर्ड पॉइंट मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया। तो उसके बाद आइए हम देखते हैं कि जो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट क्या हो सकता है और उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। देखिए कल मैंने बताया था कि ये लाइन के ऊपर सस्टेंस हो रहा है तो अपसाइड में जाएगा, जब तक ये लाइन के ऊपर है तब तक है, लेकिन ये लाइन के नीचे में है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये स्ट्रॉन्गली सपोर्टिंग पॉइंट है 24,570 यानी मानकर चलेंगे तो 500, तो ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये नीचे के लिए आ नहीं सकता है निफ्टी के लिए, तो ये मेजर सपोर्ट है 24,570 और नीचे में आता है तो कंप्लीटली बाइंग आपको दिखाई देगा, और जो मेजर सपोर्ट हमें मानकर चलेंगे इसके नीचे में वो है 24,213 यानी ये लेवल आपका ब्रेक होगा तो, लेकिन ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां पर ये सपोर्ट ले सकता है और अपसाइड के लिए जा सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी का आप देखिए तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पॉइंट है काफी स्ट्रॉन्गली यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट हुआ है, जब तक ये 52,340 के ऊपर आपको सस्टेंस नहीं करेगा यानी आपको यहाँ पर क्रॉसओवर होगा अपसाइड में जाएगा इसके ऊपर टिकेगा तभी ये माना जाएगा कि अपसाइड में ज्यादा जाएगा, लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है सपोर्ट एरिया पर है, काल यहाँ पर गैप अप होता है और सस्टेंस करता है तो अपसाइड में जा सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का ये आपका एरिया बनता है, ये कब बनेगा ना, एचडीएफसी बैंक मेजर है तो एचडीएफसी बैंक आज इस लेवल को गया था, यहाँ पर रेजिस्टेंट है तो ये लेवल के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट ऑटोमेटिकल आपको दिखाई देगा, बड़ा है ये लेवल आपको आज ब्रेक किया था ये लेवल के ऊपर रहेगा तो इतना पॉइंट मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, तो ये इतना पॉइंट मूवमेंट करेगा तो आपको 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए ट्रेंड लाइन के साथ हम देखेंगे तो वीकली बेसिस में अभी भी आपको एचडीएफसी बैंक में उम्मीद है कि ये न्यूट्रल कैंडल बना रहा है अपसाइड में आ सकता है, लेकिन ये लाइन के ऊपर आपको 1620 के ऊपर जब तक नहीं है तब तक नहीं है तो हमें इसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी का डाटा देखिए बैंक निफ्टी का डाटा जो बैंक निफ्टी का डाटा देख रहे हैं ये डाटा अभी ब्रेक नहीं हुआ है, आया था और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो ये लेवल आपका सपोर्ट ले रहा है तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा 53,500 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट, कंडीशन है ये लाइन के ऊपर रहेगा तो वीकली बेसिस में माने मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार के लिए पॉजिटिव रहेगा, जब तक इस लाइन के ऊपर है तब तक के लिए पॉजिटिव है, ये लाइन के नीचे में कंटिन्यू हो रहा है तो नेगेटिव है, ये मानकर ट्रेंड बेसिस में हमें चलना चाहिए। निफ्टी का ये लाइन हमें देखेंगे तो निफ्टी का ऐसे ही हम देखेंगे, निफ्टी काफी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट पॉइंट पर है यानी अच्छा सपोर्टिंग है और वेट भी है तो ये अच्छा ये सपोर्ट बन चुका है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देगा, इसमें काफी सारे गैप दिखाई दे रहा है, तो अपसाइड से काफी प्रॉफिट बुकिंग आएगा और नीचे में और आपका 24,500 तक मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन जब तक ये लाइन यानी 24,500 जब तक ब्रेक नहीं हुआ है तब तक के लिए नीचे के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, तो अपसाइड में 52,100-200 भी जा सकता है एक्सपेक्टेशन है, लेकिन नीचे में जो सपोर्ट हमें मानकर चलना चाहिए 24,500, तो ये आपका रेंज है, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है तब तक के लिए हमें नीचे के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। ट्रेंडिंग बेसिस में मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, ऊपर नीचे होगा और हमें एक्सपेक्टेशन होगा कि ट्रेंड बेसिस में हमें चलना चाहिए, रेंज बाउंड मार्केट है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेवल मानकर हमें चलना चाहिए। हाउ मच
वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मार्केट का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पॉइंट देखिए, मार्केट में अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद मार्केट में एंट्री कीजिए। डिस्क्लेमर है कि मेरा वीडियो कोई भी देख रहा है, एनालिसिस देख रहा है, ये सारे के सारे एजुकेशन एंड रिसर्च प्रपोजल के लिए थे, आप देख रहे हैं तो अपना रिस्क में देखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करने के बाद आप कुछ डिसीजन लीजिए। मेरे वीडियो देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग मत कीजिए, दैट इज योर डिस्क्लेमर एंड रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से एनालिसिस करें, देखें मार्केट काफी वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी बढ़ चुका है और इसको लेकर आपको देखना चाहिए। तो मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अभी कितना है। निफ्टी का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम हो चुका है, 10 के बराबर नीचे आ चुका है, यानी काफी कम हो चुका है। आज का वोलेटिलिटी आप 26 का वोलेटिलिटी आपको दिखाई दे रहा है, काफी कम है वोलेटिलिटी दिखाई दे रहा है, आज शायद बढ़ सकता है। और ये देखिए बैंक निफ्टी का भी वोलेटिलिटी 14 हो चुका है, नीचे आ चुका है। तो ऐसे आपको देखकर चलना चाहिए कि वोलेटिलिटी कम है और जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा कम हुआ है। मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है निफ्टी का, देखिए विक्स का डाटा देखिए 5% आज ऊपर गया था और इसका डाटा देखिए 13.25 हुआ था, उसके बाद आपको नीचे में आ गया था 6% के करीब करीब, 7% के करीब करीब मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला। तो मार्केट में वोलेटिलिटी है और ये वोलेटिलिटी को आपको वोलेटिलिटी के साथ आपको तैयार रहना चाहिए। अच्छा लग रहा है तो मार्केट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट आपको पता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हाई वोलेटिलिटी में मार्केट से दूर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के लिए, यानी पोस्ट मार्केट एनालिसिस इतना है। कल मार्केट में ग्लोबल मार्केट देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट देखिए, उसके बाद काम कीजिए। थैंक यू सो मच।